तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले में कई वाहनों के बीच टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत, 26 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, बोले नरेंद्र मोदी ने सरकार को केवल कॉरपोरेट घरानों की चिंता, यह व्हाट्सएप, फेसबुक, अमेजन और पेटीएम जैसी कंपनियों की सरकार है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को आसनसोल में काजी नजरूल यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से किया सम्मानित। हसीना ने कहा, मैं इसे बांग्लादेश के लोगों और सभी बंगालियों को समर्पित करती हूँ। केरल में अभी तक निपाह वायरस का प्रकोप, दर्जन भर से ज्यादा लोगों का चल रहा है इलाज, प्रशासन ने जरूरी कदम उठाने के दिए हैं आदेश। अगले 48 घंटों में मानसून केरल और तमिलनाडु पहुंचने की उम्मीद, 15 दिन बाद झारखंड पहुंचेगा मानसून। तमिलनाडु के मंत्री सेलूर के राजू हिंसा में घायल लोगों से मिले, स्टरलाइट कंपनी को बंद करने की मांग को लेकर हुई थी हिंसा, पुलिस की फायरिंग में गई थी 13 लोगों की जान। कर्नाटक में महिला ने ट्वीट कर मासूम बेटे का पासपोर्ट बनवाने के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लगाई गुहार, सुषमा ने महज 2 दिन के अंदर जर्मनी जाने के लिए मुहैया कराया पासपोर्ट। साइबर अपराधियों के निशाने पर अब राजनीतिक दल, असम में अपराधियों ने भाजपा नाम के URL का उपयोग कर बनाई फर्जी वेबसाइट, वेबसाइट को कीनिया में रजिस्टर्ड कराया गया। गुजरात के अहमदाबाद में करीब एक ट्रक से 10 किलो चरस बरामद, NCB ने ट्रक लेकर आ रहे 2 लोगों को किया गिरफ्तार, दोनों आरोपी जम्मू कश्मीर से ट्रक लेकर अहमदाबाद आ रहे थे। कच्छ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF ने पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोचा, पाकिस्तानी घुसपैठिए के पास से मोबाइल और 6 सिम कार्ड हुए बरामद।